एक बार इस तरीके से बनाए आलू की ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनके तैयार होती है। इसे आप एंजॉय करें रोटी पराठा या फिर राइस के साथ, ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्नेहा और स्वागत है आपका मेरे चैनल कुक फूड विद स्नेहा में। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 200 ग्राम के करीब छोटे आलू। तो इसे पहले हम बढ़िया से धो लेंगे, उसके बाद इसके छिलके उतार लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू के सारे छिलके उतार लिए हैं और फोक की मदद से हमें इस तरीके से आलू में छेद करना है। ऐसा करने से आलू के अंदर भी सारी ग्रेवी हमारी जाएगी और आलू अंदर से फीके नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से आप फोक की सहायता से सारे आलू में बढ़िया से छेद कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने अपने सारे आलू में छेद कर लिया है। चलिए बारी आती है अब इसे फ्राई करने की। तो यहाँ कढ़ाई में हम डालेंगे तेल और तेल को बढ़िया से गरम करेंगे। उसके बाद सारे आलू को डाल के मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करेंगे। तेज़ आंच पे करने से आलू ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हमें 50 से 60% तक आलू को इसी टाइम पर गला लेना है, इसलिए गैस की फ्लेम को मीडियम पर रख के ही आलू को बढ़िया से फ्राई करिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। चलिए इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। तो आलू हमारे बढ़िया से फ्राई हो गए हैं, देखिए अच्छा सा सुनहरा कलर आ गया है। तो चलिए सारे आलू को निकाल लेते हैं फटाफट से एक प्लेट में। तो यहाँ पे हमने अपने सारे आलू को बढ़िया से फ्राई कर लिया है और ये 50 से 60% तक आराम से गल चुके हैं, बहुत ही गर्म है ये। तो चलिए अब इसे बनाते हैं और भी मसालेदार और डालते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 3 बड़े चम्मच के करीब दही। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश दही यूज़ किया है, खट्टा दही यूज़ मत करिएगा नहीं तो ग्रेवी में बहुत ही खटास आ जाएगी। और साथ में हम डालेंगे कश्मीरी मिर्च का पाउडर, ये मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ की है। साथ ही में डालेंगे 1 चम्मच के करीब धनिया का पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच गर्म मसाला पाउडर। इन सबको हम बढ़िया से मिलाएंगे और साथ में डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो ये हो गया हमारे बढ़िया मैरिनेट तैयार। तो यहाँ पे हम इसे बढ़िया से मिला लेते हैं। तो यहाँ पे आलू में हमारे सारे मसाले बढ़िया से लग गए हैं। चलिए इसे ढक के 10 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ देते हैं, तब तक बना लेते हैं हम इसकी ग्रेवी। तो ग्रेवी बनाने के लिए उसी कढ़ाई में मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच के करीब तेल। साथ में डालेंगे 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1/2 छोटा चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने ज़ीरा यूज़ किया है। तो हम इन सबको डाल के पहले बढ़िया से भून लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ज़ीरा बढ़िया से ब्राउन हो गया है, चलिए डालते हैं इसमें अदरक। तो यहाँ पे कटी हुई अदरक मैंने यूज़ की है, 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे हम अदरक डालेंगे और अदरक को भी पहले बढ़िया से भून लेंगे। तो मैंने इस रेसिपी में लहसुन का यूज़ नहीं किया है, अगर आप लहसुन डालना चाहते हैं तो उसे भी इस तरीके से बारीक टुकड़ों में काट के पहले बढ़िया से तेल में भून लीजिए। तो यहाँ पे हम डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब हरी मिर्च। हरी मिर्च की मात्रा को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। साथ ही में डालेंगे हम इसमें प्याज का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उसे मिक्सी में पीस के उसका पेस्ट बना लिया है। तो प्याज को हम बढ़िया से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भून लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्याज बढ़िया से भून गया है, एकदम ब्राउन हो गया है। आपको एकदम धीमी आंच में बढ़िया से प्याज को पकाना होगा। उसके बाद जब ये बढ़िया से भून जाए तब हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े टमाटर यूज़ किए हैं, उसकी प्यूरी बना के हम ग्रेवी में डालेंगे और बस बढ़िया से टमाटर को भी हम भून लेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्याज और टमाटर बढ़िया से भुन गया है। चलिए गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देते हैं और उसके बाद डालते हैं अपने आलू और उसके साथ के मसाले। तो इसमें मैंने दही यूज़ किया है, इसी वजह से मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है ताकि दही हमारा फटे नहीं। तो यहाँ पर हम लगातार चलाते हुए अपने मसालों को बढ़िया से 1 मिनट तक पहले भूनेंगे। जो भी मसाला हमारे बर्तन में रह गया है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसे भी आप ग्रेवी में डाल दीजिए, क्योंकि इसी से हमारी पूरी ग्रेवी बन के तैयार होगी। तो पहले हम आलू और मसालों को बढ़िया से भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी।
तो यहाँ पे हमारे दही और मसाले बढ़िया से भुन गए हैं। दही को भुनना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक मिनट तक मैंने कुल अपने मसालों को बढ़िया से भुना है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे और इस स्टेज पे डालेंगे हम पानी, क्योंकि हमें आलू को गलाना भी है। तो यहाँ पे मैंने एक गिलास के करीब पानी यूज़ किया है। बढ़िया से हम पहले सबको मिला लेंगे, उसके बाद डालेंगे हम इसमें नमक। नमक हमने पहले भी यूज़ किया है, इसलिए आप अपने स्वाद के अनुसार नमक इसमें ऐड करिए। तो बस अब हम इसे ढक देते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे ढक कर हम कम से कम 10 मिनट तक पकाएंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, चलिए अपनी ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है हमारी सब्ज़ी का। ऑयल बिल्कुल ऊपर तक आ गया है, यानी हमारी सब्ज़ी बढ़िया से पक गई है और आलू भी हमारे बढ़िया से गल गए हैं। चलिए एक आलू को कट करके चेक कर लेते हैं और ये आसानी से टूट जा रहा है, यानी हमारी आलू की ये टेस्टी सब्ज़ी बिल्कुल बनके तैयार है। तो बस सब्ज़ी में हम डालेंगे ऊपर से हरा धनिया और साथ ही में डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाएगा हमारी सब्ज़ी में। तो चलिए फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम को बंद करते हैं और अपनी इस टेस्टी आलू की सब्ज़ी को सर्व करते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी टेस्टी आलू की सब्ज़ी बनके तैयार है। इसे आप एंजॉय करिए रोटी पराठे या फिर राइस के साथ, ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। तो गाइस, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।